हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये होममेड वेजिटेबल सैनिटाइजर। आप सभी जानते हैं इस कोरोना वायरस टाइम में हम सभी चीज़ के लिए सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं, पर जो सैनिटाइजर हम हैंड सैनिटाइजर या और सब चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो हम वेजिटेबल से बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें अलग से इसका सैनिटाइजर बनाना चाहिए, तो वो मैंने बिल्कुल अपने होममेड तरीके से और बहुत ही आसान ऐसे इंग्रेडिएंट आपके किचन से ही इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके, किचन के इंग्रेडिएंट क्या, किचन की वेजिटेबल से ही मैंने सैनिटाइजर को बनाया है। इसमें मैंने अदरक, लहसुन और कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ किया है जो आपके किचन में ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि जो अदरक होती है वो आपके संक्रमण से बचाती है और जो हरी मिर्ची मैंने इसमें डाली है वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हेल्पफुल होती है और कई सारे विटामिन पाए जाते हैं। जबकि अदरक तो आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है, तो ये बहुत ही यूजफुल होती है हमारे लिए। तो अदरक के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो हमारी अंदरूनी बीमारियों को भी कम करती हैं, ख़त्म करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। तो इसीलिए मैंने इन ऐसी चीज़ों, ऐसी वेजिटेबल्स से ही हमने अपना सैनिटाइज़र तैयार किया है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से हमने अपना सैनिटाइज़र तैयार किया है, तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो। होममेड वेजिटेबल सैनिटाइजर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 हरी मिर्ची। अगर मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी हो तो 2 से 3 मिर्ची का ही यूज़ करें। मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। एक अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने छील के स्लाइसेस में कट कर लिया और यहाँ पर 7 से 8 कली हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी कली बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप 3 से 4 कली ही लें, ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 कलियों का यूज़ किया है। और हमें चाहिए 1 चम्मच नमक, सॉल्ट जिसे कहते हैं, और 1/2 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। तो इन सबको या तो आप ग्रेट करके इसका जूस निकाल लें, अगर आप इसको हाथों से ग्रेट करेंगे तो आपके हाथों में लगेगा, इसलिए आप बेटर है कि आप ब्लेंडर में इसको ग्राइंड कर लें, इसको ग्राइंड कर लें और उसके बाद इसका आप हाफ ग्लास, 1 ग्लास पानी डाल के इसको अच्छे, पहले थोड़ा पानी डालें क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। पहले थोड़ा थोड़ा पानी करके ग्राइंडर में डाल के इसको आप अच्छे से ग्राइंड करके इसका जूस टाइप का आप बना लें। तो मैं अभी दिखाती हूँ किस तरह से आपको बनाना है। ये मैंने ग्राइंडर लिया है, ये सभी चीज़ें जितनी भी है ये मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगी, और ये जो नमक और ये जो हल्दी है ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी क्योंकि ये अच्छे से घुल जाएगा, बाद में हमें घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्दी चाहे तो आप बाद में डाल दें क्योंकि आपको फिर ब्लेंडर धोने में दिक्कत होगी, आपका ब्लेंडर पूरा येलो हो जाएगा, तो हम हल्दी को बाद में डालेंगे। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ अभी। ये देखिए हमारा, मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसको छन्नी में छान लेंगे। अब हम हल्दी इसमें ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि ये हल्दी जो होगी अपना पानी के साथ अपना रंग छोड़ देगी। तो अभी हम इसको स्टेरर की हेल्प से इसको हम छान लेते हैं अच्छे से बिल्कुल, ताकि इसका जो पानी पानी है सिर्फ हमें वही चाहिए। हम इसको स्प्रे वाटर में हम लोग डालेंगे इसको, आप चाहे तो इसको और ग्राइंड कर सकते हैं। पल्प जो है आप इसको अपनी वेजिटेबल में भी डाल सकते हैं, इसको भी वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो इस तरह से ये आपका स्टेन होकर रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। इसको चाहे तो आप अपनी वेजिटेबल में ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ये जो हल्दी है ये भी अपना अच्छे से इसके अंदर जो गुण होता है उसको छोड़ देगी। हम इसको 10 से 15 मिनट अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो हमने इसके अंदर हल्दी डाली है वो अपना जो पूरा गुण करेगी, इसीलिए हम इसको 10 से 15 मिनट अभी ढक कर इसको हम रख देते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसको दोबारा छानेंगे। मैंने स्टेनर जो है उसमें कॉटन का कपड़ा लगा लिया है क्योंकि अभी हम इसको स्प्रे बॉटल में डालेंगे, तो इसमें कुछ भी ऐसा छोटा कण नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अपना स्ट्रॉ के अंदर बिल्कुल फंसे। ये देखिए ये मेरी घर की पिसी हुई हल्दी है, इसलिए थोड़ी सी मोटी है, मार्केट की जो होती है वो बिल्कुल घुल जाती है, इसलिए ये देखिए इस तरह से है, ये देखिए इस तरह से
देखिए ये हल्दी भी हमारी साइड हो गई है, देखिए। और अभी हम इसमें इसको हम 1 से 1.5 लीटर पानी में डाइल्यूट करके मिक्स करके बॉटल में फिल करेंगे और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरह से आपको इसको वेजिटेबल्स पर स्प्रे करना है। इसमें हम पानी मिलाने से पहले हम यहाँ पर नींबू का जूस हम मिला सकते हैं, ये यहाँ पर विनेगर है, वाइट विनेगर जो होता है उसको हम यहाँ पर एक जो इसका कैप है उसको भरकर डालेंगे। इससे क्या होगा, जो आपका जो ये सैनिटाइजर होगा ये लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, यानी कि आप इसको 1 हफ्ते से 10 दिन जो है बनाकर रखिए और आप इसको इसके अंदर मिला दीजिए और ये आपका 1 हफ्ते से 10 दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और आप चाहे तो अगर आपका विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 से 2 लेमन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस लेमन भी नहीं है तो आपको क्या करना है, इस पानी को आप एक बार अच्छे से बॉईल कर ले तो भी आपका ये प्रिजर्व हो जाएगा। आप इसको रख दें और इसको यूज करें हफ्ते भर तक, आप इसको 1 हफ्ते से 10 दिन यूज कर सकते हैं, प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। और डेली तो नहीं बनाया जाता पर आप 1 हफ्ते से 10 दिन इसको यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि जो लहसुन नहीं खाते हैं तो वो लहसुन को स्किप करके लेमन की जो नींबू का जूस है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। अभी मैं इसको इसमें पानी और डाल के ऐड करके इसको स्प्रे बॉटल में फिल करती हूँ, उसके बाद आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ वेजिटेबल्स पर किस तरह से आपको अपनी वेजिटेबल्स को सैनिटाइज करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सभी प्रकार की जो हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं, सभी तरह की वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी हैं और हमारे पास जो हम घर में सब्जियाँ बनाते हैं वो भी है और हमारे पास यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं। तो सभी हमारे पास फ्रूट्स और सब्जियाँ यहाँ पर हैं। तो इसको आपको किस तरह से वॉश करना है, ये मैंने अभी प्लेन सादे पानी से, गुनगुने सादे पानी से नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो जो आपने सैनिटाइजर जो बनाया है उससे भी आप इसको धो सकते हैं, आपको नमक से धोने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी सब्जियों को नमक से ही धोती हूँ, तो पानी में नमक डालकर ही धोती हूँ, तो इसलिए वो मैं धो चुकी हूँ। तो अभी मैं आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ किस तरह से आपको वेजिटेबल्स को सैनिटाइज करना है। इस तरह से हमारा देखिए ये बॉटल में मैंने फिल कर लिया है इस तरह से, तो ये मेरी कॉलिन की बॉटल है, मैंने इसको धो के अच्छे से इसको फिल कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आप अपनी वेजिटेबल्स को इस तरह से सभी वेजिटेबल्स पर स्प्रे करके इस तरह से, ये आपकी कोई भी वेजिटेबल हो इस तरह से आप ये देखिए इस तरह से अच्छे से स्प्रे करें और आप इसको इसी तरह से ये देखिए सभी वेजिटेबल्स को, चाहे आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां हो तो उसको भी आप इस तरह से सैनिटाइज करके रखें और उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई होने दें और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें और जब आप निकालें तो उसको एक बारी पानी से ज़रूर धो के यूज़ करें काटने से पहले। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो ज़रूर आगे शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू।